क्या आज के समय में आप सोच सकते हैं कि जिसका बेटा सीएम हो वो अपने बाप की गिरफ्तारी की आदेश दे दे। जी हाँ, हम भूपेश बघेल की बात कर रहे हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इनके पिताजी ने क्या किया हुआ है कि एक समाज यानी कि ब्राह्मण समाज पर कुछ कमेंट किए हुए हैं, और इसमें आप देखेंगे कि भूपेश बघेल ने साफ, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा है कि उनका सम्मान करते हैं, हमारे पिताजी हैं वो, लेकिन अगर गलत करता है, चाहे मेरा बेटा हो या बाप हो, तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। कई लोगों को ये लग सकता है कि नौटंकी है सब, क्योंकि राजनीति की दृष्टि से देखेंगे आप लोग तो यही आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आज का जो इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में, उसमें आप देखेंगे एक हेडिंग जरूर होगी कि एक मुख्यमंत्री ऐसा भी था जिसने अपने बाप को गिरफ्तार यानी कि अपने पिता को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हुए थे, उसका बचाव नहीं किया हुआ था। वरना आपने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका बेटा बलात्कारी है यानी कि बलात्कार किया हुआ है, किसी का मर्डर किया हुआ है, उसे बचाने के लिए उसका बाप आप देखते हैं कि सब कुछ हथकंडे अपना लेता है। या फिर आप लोगों ने कई ऐसी घटनाएं देखी है कि जिसमें किसी बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है विधायक के द्वारा, और वो पार्टी आप देखते हैं कि उसके पीछे उसे मतलब बचाने के लिए जी जान लगा देती है, उस बेटी के परिवार को आप देखते हैं कि पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल ने कम से कम एक मिसाल पेश की हुई है कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं, वरना आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, मानता कौन है कि संविधान या कानून के हिसाब से सभी सब समान है। तो कई लोगों का ये भी मानना था कि चलिए इनके बारे में, भूपेश बघेल के बारे में हमें हमें बात तो करनी चाहिए। और आपको बता दूं कि भूपेश बघेल ऐसे व्यक्ति हैं जो किसान से सीएम बनने का सफर रहा है इनका। एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको देखने को मिलेगा, यह है आपका छत्तीसगढ़। आप सभी जानते हैं कि सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़, लेकिन 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ को अलग करके, मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया जाता है। अभी वर्तमान में बात करें तो यहां आप देखेंगे 90 आपको विधानसभा सीटें देखने को मिलेगी, और यहां लोकसभा सीटें 11 देखने को मिलेगी, और राज्यसभा सीटें 5 देखने को मिलेगी। और इससे लगे हुए राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऊपर देख सकते हैं आप लोग, ये आपको झारखंड दिखाई दे रहा है, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, इन सभी से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे भूपेश बघेल, तो ये है आपकी भूपेश, कौन है, भूपेश बघेल, ठीक है। अगर हम उन लोग इनके नाम की बात करें तो आप सभी जानते हैं भूपेश बघेल है, और अगर हम लोग जन्म की बात करें तो 23 अगस्त 1961 में इनका जन्म होता है। कब? 23 अगस्त 1961 में। आप लोगों को मालूम होगा कि 1961 में भारत चाइना का युद्ध भी हुआ था, 1962 में, तो आप देख ली सकते हैं उसी समय की बात कर रहे हैं, यानी कि चाइना के युद्ध से 1 साल पहले इनका जन्म होता है। इनका जन्म स्थान है पाटन, और इनके पिता की अगर बात करें तो नंद कुमार बघेल, जिनकी गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं यही है वो, ठीक है, नंद कुमार बघेल, इन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। माता की बात करें तो बिंदेश्वरी बघेल, और पत्नी यानी कि जीवन साथी की बात करें तो मुक्तेश्वरी बघेल, और इनके आपको बता दूं तो आप सभी जानते हैं कि ये कृषक भी रहे हैं, और व्यापार भी इन्होंने किया हुआ है, लेकिन अब आप सभी जानते हैं कि राजनीति में जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, यानी कि इनका एक बेटा है और 3 बेटियां भी है, ठीक है, चेतन बघेल इनके बेटे का नाम है और 3 बेटियां हैं। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमए किया हुआ है इन्होंने, यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी पढ़े लिखे भी हैं। पार्टी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दूं, ये कांग्रेस वही है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और आप सभी जानते हैं कि आज़ादी में काफ़ी बड़ा योगदान भी रहा है इसका। लेकिन आपको बता दूं कि आज़ादी के समय की कांग्रेस और इस समय की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देगा। पसंदीदा राजनेता की बात करें तो सोनिया गांधी, जो आप समझते हैं कि कांग्रेस के एक बड़ी नेता हैं। इनकी अगर हम शौक की बात करें तो साहित्य पढ़ना, योग करना, खेलकूद, ये सभी इनकी अभिरुचि है इसमें। अब सबसे जरूरी बात और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट, राजनीतिक सफर इनका रहता है, और अधिकतर लोग राजनीतिक सफर को ही ध्यान में रखते हैं और राजनीतिक सफर के बारे में जानने में दिलचस्पी भी रखते हैं। तो आपको बता दूं कि 1980 में ये राजनीतिक अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हैं। ये अपना गुरु स्वर्गीय चंदूलाल चंदकर को मानते हैं, तो उन्हीं के सानिध्य में आप देख सकते हैं इन्होंने राजनीति शुरू की। फिर आप देखेंगे 1985 में उन्होंने युवा कांग्रेस की सदस्यता ली, कब? 1985 में। फिर आप देखेंगे 1990 में वे कांग्रेस, युवा कांग्रेस के दुर्ग जिले के जिलाध्यक्ष बनते हैं और वे इस पद पर 1994 तक रहते हैं। 1993 में बघेल ने अपना पहला विधानसभा चुनाव पाटन सीट से सफलतापूर्वक लड़ा और मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बनते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ सन 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है, तो जो पाटन सीट थी ये मध्य प्रदेश में आती थी, ठीक है। उन्होंने बहुजन समाजवादी समाज पार्टी के केजूराम वर्मा को करीब 3400 वोटों से हराया था, ये 1993 की बात कर रहा हूं। और भूपेश बघेल 1993 में पहली बार विधायक बनते हैं, जिसे आप लोग एमएलए भी कहते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि डायरेक्ट ये जनता के द्वारा चुना जाता है। अगर आपकी भी आयु 18 साल की आप हो चुके हैं तो आपका मतदाता सूची में नाम भी जुड़ गया होगा, और आप भी सांसद के लिए यानी कि लोकसभा सदस्य के लिए, या फिर आप विधानसभा के लिए सदस्य के लिए, या सरपंची के लिए आप लोग देखते होंगे कि आप वोट भी डालने जाते होंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 1994 में उन्हें मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया जाता है और वे इस पद पर 1 साल तक रहते हैं। फिर आप देखेंगे 1998 आता है, बेपाटन सीट से पुनः विधायक बनते हैं, यानी कि दूसरी बार भी वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। इस बार उन्होंने भाजपा की नीपू मां चंदाकर को हराया, और इस जीत के बाद वे दिग्विजय सिंह की कैबिनेट में शामिल हुए। क्योंकि आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनकी सरकार में इन्हें मंत्री भी बनाया जाता है। उन्होंने पब्लिक ग्रीवियांस मंत्रालय बातों राज्य मंत्री संभाला, और साथ में ही उन्हें सीधे मुख्यमंत्री के साथ संबंध कर दिया गया। सभी बड़े फैसलों में उनकी राय ली जाने लगी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी नेता कह सकते हैं आप लोग। फिर आप देखेंगे 1999 में, दिसंबर 1999 में उन्हें राज्य मंत्री से मंत्री बनाया दिया जाता है और यातायात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा जाता है। आपको बता दूं कि जो कैबिनेट मंत्री होता है उससे छोटा होता है राज्य मंत्री, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आप देखते हैं कि सन 2000 आता है, उन्हें मध्य प्रदेश राज्य सड़क यातायात कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है सन 2000 में। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य बने, साथ ही में वे छत्तीसगढ़ के पहले राज्य कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं राहत कार्य मंत्री बनते हैं। एक अब की बात है सन 2000 की, क्योंकि आप देखेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य सन 2000 में ही बनाया गया था। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग तो सन 2003 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर पाटन से जीत दर्ज की, यानी कि तीसरी बार वो विधायक बनते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में विफल रही और बघेल छत्तीसगढ़ विधानसभा के उप विपक्षी नेता बने, यानी कि कांग्रेस के पास इतना बहुमत नहीं था कि वो अपना मुख्यमंत्री बना सके, ठीक है, तो वो विधानसभा में उप विपक्षी नेता बनते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको आधे से अधिक आपके पास सीटें हैं तो आप मुख्यमंत्री
आपकी पार्टी का बनता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप लोग 2004 आता है। 2004 में कांग्रेस के टिकट पर बघेल ने दुर्ग लोकसभा सीट से संसदीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए, यानी कि यहां आप देखेंगे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और आप सभी को बता चुका हूं कि लोकसभा सदस्य के चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होते हैं, आप ही लोग चुनते हैं, तो इन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा। 2008 में आप देखेंगे लोकसभा की हार का असर विधानसभा चुनाव में दिखा और पाटन सीट से भूपेश बघेल के हाथ से निकल गई और वे विधानसभा चुनाव हार गए, यानी कि लोकसभा चुनाव भी हार गए और आप देखेंगे विधायक यानी कि विधानसभा चुनाव भी हार गए। लगातार दो बार देखेंगे आप लोग इन्हें असफलता मिली, यानी कि आप देखिए असफलता या हार का सामना करना पड़ा। 2009 में दुर्ग सीट से उन्होंने फिर से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार मिली, यानी कि आप देखिए कि कोशिश करना उन्होंने नहीं छोड़ा लगातार हार के बाद भी। और इनसे आप लोग काफी सीख भी ले सकते हैं कि अगर आप अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं तो एक दिन आपको जरूर जीत मिलेगी। 2013 में आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में बघेल ने सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा, फिर से पाटन के विधायक बनते हैं, उन्हें 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सफलता मिलती है और फिर से विधायक चुने जाते हैं, कहां से? पाटन से। फिर आप देखेंगे 2014 में बघेल को छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है, कहां का? छत्तीसगढ़ का। फिर आप जानते हैं कि 2018 में आपके विधानसभा चुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में, आपके छत्तीसगढ़ में भी हुए थे, मध्य प्रदेश में भी हुए थे और राजस्थान में, तीनों जगह आपने देखा है कि कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस सत्ता में वापस आई थी। भूपेश बघेल ने पाटन से एक बार फिर से शानदार जीत दर्ज की और उन्होंने भाजपा के मोतीलाल साहू को 27,477 वोटों के अंतर से हराया और इसके साथ ही उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो फिलहाल अभी तक वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। आने वाले समय में क्या होता है, क्या स्थिति रहती है, इनका आगे का राजनीतिक घटनाक्रम क्या रहता है, इसके लिए आप लोग करंट से जुड़े रहिए और देखते रहिए, आपके सामने भी आगे आगे की जो भी कहानी होगी, ठीक है। चलिए, तो यही कहानी है आपकी भूपेश बघेल की। अगर आपको लगता है कि किसी और पर बात करनी चाहिए तो आप लोग बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।